नजीब को जैसा कि पता है 14 अक्टूबर 2016 में उसे गैप कर दिया गया था एबीवीपी द्वारा, जिसमें से 9 लोगों का नाम था जिन्हें अभी तक क्लीन चिट दे दिया गया है कि उनका कोई दोस्त था। और इसमें एबीवीपी और भी लोगों का कई लोग इसमें शामिल रहे हैं। और इसको माही मांडवी हॉस्टल से गैप किया गया था, जिसकी आज तक सीबीआई ने भी इसको केसेस को क्लोज कर दिया है। और वजह क्या लग रही है कि 5 साल बीतने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, कोई साक्ष्य नहीं निकाला जा सका, कोई इसकी कार्रवाई नहीं, इसको इस केस को ही क्लोज कर दिया गया है। जैसा कि फातमी अम्मी जो है नजीब की अम्मी, उनको इंसाफ नहीं मिला है, वो आज भी दर दर कोर्ट के धोखरे पे कोर्ट के दरवाजे खटखटा रही हैं, उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला है। और ये चीज़ एक माँ का दर्द को समझने से लग रहा है आपको उम्मीद है इंसाफ मिलेगा? उम्मीद है, इसलिए हम लोग लगे हैं। और अभी तक डिसअपीयरेंस है, इसका कोई ये भी नहीं निकला है कि वो नजीब जिंदा है या नहीं जिंदा, ये किसी को अभी तक पता नहीं है। मामले को 5 साल हो चुके हैं, ना तो केंद्र की कोई एजेंसी, ना दिल्ली पुलिस, ना जेएनयू प्रशासन, हर कोई इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, छानबीन की कोई कोशिश नहीं की जा रही है, क्या वजह लग रही है आपको? देखिए, वजह पहले दिन से साफ थी, अगर इस चीज़ को रिजॉल्व करना था तो पहले दिन से कर सकते थे। जो जो एक्सक्यूज़ चाहे जेएनयू एडमिन ने दिए हैं, चाहे जो सीबीआई या दिल्ली पुलिस की जो एसआईटी थी उन्होंने जो बहाने दिए हैं, या सीबीआई ने जो बहाने दिए हैं, मतलब लास्ट सीबीआई ने ये बहाना दिया था कि वो फ़ोन अनलॉक नहीं कर पा रहे थे जो अक्यूज है उनके, तो उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि फ़ोन में जो क्रूशियल एविडेंस है वो कैसे निकाला जाए। जो इंडिया की जो टॉप प्रीमियर जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है वो ये बात अगर कहती है कि वो फ़ोन अनलॉक नहीं कर पा रही है, तो ये शक सारे सिटीजन्स को होना चाहिए इन एजेंसीज पे कि क्या ये लोग सच में काबिल हैं, क्या ये कम्पिटेंट हैं देश में सबसे टॉप एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होने के नाते। अगर आप देखें तो जेएनयू एडमिन का भी जो इंक्वायरी चला, उसमें जो हमारे प्रॉक्टर थे उन्होंने भी जो इंक्वायरी करी थी, उस प्रॉक्टर को रिज़ाइन करना पड़ा था फोर्सिबली। ये इस तरीके का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और बहुत साफ साफ है कि नजीब की आइडेंटिटी की वजह से उनको टारगेट किया गया, क्योंकि वो यहाँ पे एक आए हुए मुस्लिम स्टूडेंट थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ 2 महीने हुए थे आए हुए, उनके जब गायब हुए थे उनके जस्ट 2 महीने हुए थे आए हुए, 2016 में ही आए थे वो। वजह क्या लग रही है आपको कि क्या नजीब का नाम नजीब था इसलिए उनको टारगेट किया गया, इसलिए कोई छानबीन नहीं की गई? और जो जिन लोग के ऊपर आरोप है कि उन्होंने उन्हें अगवा किया या फिर मर्डर कर दिया, जो कुछ भी है, वह एक खास संगठन से आते हैं, एबीवीपी से आते हैं, आरएसएस के नुमाइंदे हैं, यही वजह है क्या लग रही है? जी बिल्कुल, एकदम यही वजह है कि उनको टारगेट किया गया है, क्योंकि वो मुसलमान स्टूडेंट थे। और एबीवीपी जैसा कि हम जानते हैं कि जो आरएसएस, जो आज हमारे जो लीडर्स बैठे हैं सत्ता में, आरएसएस उनकी जो पेरेंट पार्टी है और उन्हीं का एक स्टूडेंट विंग है एबीवीपी, और उनके साफ साफ उन 9 लोगों को जो अक्यूज थे उनको गार्ड करने के लिए, उनको शील्ड करने के लिए जो है ये केस को ठंड बक्से में रख दिया गया है। कई सारे उदाहरण हम लोग के सामने आ चुके हैं, चाहे हम लिंसिंग की बात करें, फ्रिज में मांस किस टाइप का रखा है उसका पता लगा लेती है या नहीं, लेकिन नजीब का पता नहीं लगा पा रहे, क्या कहेंगे? और ये सवाल और भी ज़्यादा पूछने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप देखें जो भी रैंकिंग्स होती है यूनिवर्सिटीज़ में, बार बार जेएनयू जो है टॉप 5 में आता है हर बार। तो आप ये कह रहे हैं कि जो टॉप यूनिवर्सिटी है इस देश में, उसमें अगर कोई स्टूडेंट मार्जिनलाइज तबके से आता है, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, तो उसे यहाँ पे कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है। अगर वो यहाँ पे रह रहा है तो उसे दब के रहना होगा, वो अपनी आइडेंटिटी को खुल के नहीं एक्सप्रेस कर सकता है। और नजीब के गायब होने के बाद साल दर साल ये चीज़ हुआ है,
कि टारगेट किया जाता है स्टूडेंट्स को, मुस्लिम स्टूडेंट्स को, उनकी दाढ़ियों के लिए, उनके लिए इस्लामोफोबिक चीज़ें लिखी जाती है हॉस्टल्स में। ये साल दर साल हो रहा है ये नजीब के गायब होने के बाद से। ABVP खुलेआम ये थ्रेट लोगों को देता है कि नजीब की तरह तुम्हें गायब कर दिया जाएगा, फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब कंप्लेंट दर्ज की जाती है तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो यही चीज़ हमें सवाल उठाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि 5 साल बाद भी हम लोग एक ही सवाल पूछते हैं। सब लोग जानते हैं कि ABVP ने किस तरह से नजीब पे अटैक किया, किस तरह से उस पर एक फर्स्ट ईयर MSc स्टूडेंट, आप सोचिए आप में से काफ़ी लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम कैंपस आए होंगे लॉकडाउन के बाद। आपने जब भी एडमिशन लिया हो पहली बार आप कैंपस आ रहे हैं और आपको कैंपस में कोई मारता है और आपको गायब कर देता है, और उसके बाद बात वहाँ पर नहीं रुकती है, बात वहाँ से शुरू होती है। क्योंकि उसके बाद इसमें तो आपको जैसे पता है कि आज से 5 साल पहले नजीब को फोर्सफुली इस कैंपस से डिसअपीयर कर दिया। उसके बाद बहुत डीली डाली पॉलिटिक्स करके ये कैंपस ना खुद इसको कॉग्निजेंस में लिया और ना ही कोई FIR तक किया। बहुत प्रोटेस्ट वगैरह करने के बाद एक FIR किया, उसके बाद महीनों बाद पुलिस एक सर्च ऑपरेशन चलाती है। और शर्म आनी चाहिए इस देश के पुलिसिया कार्रवाई को और पुलिसिया सिस्टम को कि 1-1.5 महीने बाद कुछ घोड़े लेके आ पाते हैं कैंपस में और यहाँ के जंगलों में आप ढूंढ रहे हैं। उसको लग रही है आपको, वजह क्या लग रही है आपको, क्या नाजिब नाम था इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, ये इसमें वजह पूछने की कोई बात ही नहीं है। आप ये देखिए कि इस देश में एक अगर प्रोटेस्ट होता है, उस प्रोटेस्ट में किसका ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है वो आप पता कर लेते हैं, किसके फ्रीजर में किस चीज का गोश्त रखा है आप उस चीज का पता कर लेते हैं। लेकिन एक जिंदा इंसान इस कैंपस से उसको फोर्सफुली गायब किया जाता है, ठीक है, उसका पता नहीं लगा सकते। आखिर इस देश के राजधानी दिल्ली और इस देश के सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जेल जैसे जगह से एक बच्चे को दिन दहाड़े यहाँ से गायब किया जाता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले, किसको लेनी चाहिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या सिस्टम को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए? क्या जेनियो एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले जानी चाहिए? अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिक्स कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया नहीं किया, लेकिन जो सिस्टम है, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, जो पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।